इस होली सक्सेस का रंग लगाएं सक्सेस पॉइंट के साथ। तैयारी करें प्रयोगशाला सहायक की नए ऑनलाइन बैच के माध्यम से। और हाँ, अब तो गांव ढाणी का हर छात्र भी पढ़ पाएगा ऑनलाइन, क्योंकि सक्सेस पॉइंट ऐप पर ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है आसान किश्तों में। तो देर किस बात की है, आगामी परीक्षा में सक्सेस सुनिश्चित करने के लिए तुरंत इंस्टॉल कीजिए सक्सेस पॉइंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलो हेलो साइड खिड़की है तो खोल दो, उसको खोल दो। I'm going to go to the next one.
मैं हिंदुसिन तामलोर, मेरा नाम है। शोर शट की वजह से होटल में आग लग गई थी, दो तीन रूम में। अब फायर ब्रिगेड तत्काल प्रभाव से आने से और जिला प्रशासन के तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने से अब आग काबू में है, कोई जनहानि नहीं हुई है। और दो तीन रूम में आग लगी थी, अब उसको कंट्रोल कर दिया गया है। आग लगने का मुख्य कारण कोई सामने कोई शॉर्ट सर्किट या अभी तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा क्या कारण है। कितनी फायर ब्रिगेड आई है अभी तक? दो तीन गाड़ियां आ गई है, नगर पालिका से भी गाड़ियां आ रही है। अब कंट्रोल में है हर चीज़। कितने कमरों में आग लगी है? तीन चार रूम में आग लगी। हाँ, ना कोई इस तरीके का कोई जनहानि नहीं है। किस प्रकार की आग थी और अब क्या स्थिति है? ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो टावर बना हुआ है, इस टावर के अंदर एक ऊपर जो तीसरी मंजिल पे कमरा है उसमें शॉर्ट सर्किट लगा है, इसी के अंदर आग लगी थी। परंतु समय पर जो है ये म्यूनसिपल की और सिविल डिफेंस की जो फायर ब्रिगेडियाँ आ गई और काबू पा लिया। आग के ऊपर ऐसा बड़ा विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ है और बाकी सभी लोग अंदर से बाहर निकाल दिया। सब लोगों के अंदर कोई नहीं है इसके अंदर। अभी टावर बने हुए हैं तो उसके अंदर फायर फाइटर सिस्टम कहीं पर भी चालू नहीं है, तो उसके लिए क्या आगे के और भी ऐसी कई जगह है तो उनका सिस्टम कहीं पर भी काम नहीं कर रहा? ये नगर परिषद से बात करके एक बार आज बुलाए उनको यहाँ पर अभी और उसका सर्वे करवा लेते हैं। यदि ऐसा कुछ फायर सिस्टम उन्होंने नहीं लगवाया है या इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है कोई, तो उसके बारे में उनसे चर्चा करके और नोटिस देकर कार्रवाई करेंगे।